नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लॉन ट्रैकर में। और आज की इस वीडियो में मैं एक आपको वाटर का कूलिंग ब्लॉक बना के दिखाने वाला हूं दोस्तों। जी हां, और जो मैंने एक पेल्टियर की सीरीज़ बनाई है जिसके अंदर मैंने पहले एक आपको थर्मल पेस्ट भी बना के दिखाया था दोस्तों, उसी सीरीज़ के अंदर मैं ये थर्मल ब्लॉक बना रहा हूं। और ये थर्मल ब्लॉक आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है कूलिंग करने के अंदर दोस्तों। जैसे कि आप PC की कूलिंग करते हो या फिर आप मान लो पेल्टियर AC बना रहे हो तो उसके अंदर भी आप उसको यूज़ कर सकते हो दोस्तों। जी हाँ, और ये मैंने जैसे बोला था आपको कि 30 से 40 रुपए के अंदर आपका ये बन जाएगा, तो ये घर के ही वेस्ट से जो प्रोडक्ट होता है उसी से बनाया दोस्तों। और ये 30 से 40 रुपए के अंदर ये आपका बन जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ही ऐसा बनाओ, आप कुछ अलग टाइप का बना सकते हो, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल ऐसा बनाना। और भी प्रोडक्ट है काफ़ी सारे जिनको आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि टीन के डब्बे होते हैं घर के अंदर घी वगैरह के होते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा कैन आती है कोल्ड ड्रिंक की, उसको भी यूज़ कर सकते हो आप। उसके अलावा अगर जो आप कबाड़ी वाले के मार्केट के आसपास आपके पास मार्केट हो या दुकान हो तो वहाँ से भी आपको एल्यूमिनियम के ऐसे चद्दर वगैरह या ब्लॉक वगैरह मिल जाएंगे दोस्तों, तो उनकी मदद से आप वाटर का कूलिंग ब्लॉक बना सकते हो। और लास्ट में इस वीडियो के हम दो टेस्ट करने वाले हैं। एक करेंगे हम जो एयर के साथ कूलिंग करते हैं, एक तो एयर के साथ कूलिंग करके देखेंगे, एक हमारा जो वाटर ब्लॉक हमने बनाया है एक कूलिंग इसके साथ करके देखेंगे। और फिर दोनों के टेस्ट को कंपैरिजन करेंगे कि एक मिनट के अंदर दोनों के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस कितना ज़्यादा आया दोस्तों। तो दोस्तों, अगर जो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ के साथ जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको भी दबा दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आगे भी इसी सीरीज़ के अंदर जो मैंने पेल्टियर सीरीज चलाई है इसके अंदर मैंने थर्मल पेस्ट और उसके बाद मैंने ब्लॉक बनाया और इसके बाद मैं इन सारे प्रोडक्ट को मिलाकर एक पेल्टियर AC बनाने वाला हूँ दोस्तों, जिसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी और वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा, उसको आप रियल लाइफ के अंदर यूज़ कर सकते हो दोस्तों। ऐसे नहीं होगा कि एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे बना के उसको रख दिया, नहीं दोस्तों, उसको हम यूज़ करेंगे, उसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। जैसे गर्मी अभी आ चुकी है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि जो भी हमारी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए साथ के साथ और आप उस वीडियो को देख सकें दोस्तों। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी कुछ आइटम की, जैसे कि एरल्डाइट फास्ट जो बॉन्डिंग की होती है, फ्लैक्स क्यू की या फेल क्यू की आती है। उसके अलावा आपको ज़रूरत होगी पाइप की और एक एल्युमिनियम ब्लॉक। ब्लॉक एल्युमिनियम ब्लॉक कैसा भी हो चल जाएगा। अगर जो एल्युमिनियम ब्लॉक नहीं है तो आपके घर में जैसे कि टीन के बॉक्सेज आती है, घी का डब्बा वगैरह ऐसे भी होते हैं, तो उनसे भी बनाओगे तो भी चल जाएगा दोस्तों। और मैंने इसके अंदर यूज़ किया एल्युमिनियम ब्लॉक जो मेरे को कबाड़ी मार्केट से मिल गया, तो आपको कबाड़ी मार्केट से भी कोई ना कोई एल्युमिनियम ब्लॉक मिल जाएगा दोस्तों। और एक कटर की रिक्वायरमेंट होगी, और उसके अलावा उस मतलब पूरी तरह से उसको कम्प्लीटली सील करने के लिए दोस्तों आप या तो एल्युमिनियम के ही कोई ब्लॉक यूज़ कर सकते हो, एल्युमिनियम की शीट वगैरह यूज़ कर सकते हो, बट मैं मेरी इस वीडियो के अंदर जो PVC है उसकी एक शीट है उससे मैं इसको कम्प्लीट कवर करूँगा, क्योंकि चार साइड से ऑलरेडी ये कवर है। तो सबसे पहले तो मैंने जो जहाँ जिस साइड से ओपन था वहाँ से मैंने उसके हिसाब से एक उसका मेजरमेंट ले ली मैंने उसकी, और फिर उसको उसी हिसाब से काटना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, आपने खास इसके अंदर ध्यान ये रखना है कि जब आप उसको PVC हो या आपकी कोई भी एल्युमिनियम की शीट उसको जब काटोगे तो वो उसका साइज़ जो आप ब्लॉक बना रहे हो उसकी जो लंबाई और चौड़ाई उससे ज़्यादा ना हो, उससे थोड़ा थोड़ा कम रहे, ताकि जब हम उस पर एरल्डाइट वगैरह लगाए या फेवी बॉन्ड लगाए तो उससे वो आसानी से चिपक जाए, उसका कोई जो भी पार्ट है वो आउटर साइड में ना आए, जिससे कि जब हम पेल्टियर उस पर लगाएंगे तो उसमें बीच में मतलब कि ये ना हो कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, अच्छी तरह वो उससे लग जाए दोस्तों। तो जो आपके पास एरल्डाइट होगी आपने उसको पहले ही मिक्स करके रख लेना दोस्तों। तो एरल्डाइट को मिक्स करने का क्या होता है कि इसको इसमें दो आपके पास अलग अलग बॉक्स होते हैं, तो उनके अंदर दोनों के अंदर एक ग्लू होता है, उन दोनों ग्लू को बराबर बराबर मात्रा में आपने निकालना है। उसके बाद उसको अच्छी तरह मिक्स करना है 2 से 3 मिनट तक, तो उसको अच्छी तरह मिक्स करके और उसका जो कलर हो जाएगा वाइट कलर के आसपास, मतलब उसके आसपास ही हो जाएगा वाइट कलर के, तो उसको ऐसे रख देना साइड में, क्योंकि दोस्तों इसको सूखने में टाइम लगता है। और अगर जो आपने बेस्ट इसको सुखाना है तो ये कम से कम 8 घंटा, और अगर जो उससे भी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट की अगर जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसमें, तो आप कम से कम इसको 24 घंटे के लिए सूखने के लिए रखें दोस्तों। तो आप इसको पहले ही मिक्स करें 15-20 मिनट के लिए रख दो यूज़ करने से पहले, ताकि वो हल्का सा अपनी शेप सॉलिड होना शुरू हो जाए। तो
दोस्तों इसमें क्या है कि आप सबसे पहले आप एरल डाइट नहीं लगा सकते, क्योंकि एरल डाइट लिक्विड फॉर्म में ही थोड़ी देर तक रहती है, वो लगभग 3-4 घंटे तक, तो सूखेगी नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो फेवी बॉन्ड होती है, जैसे फेवी इंस्टेंट बॉन्डिंग ग्लू जो होता है, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसका अपने हल्का हल्का से इस्तेमाल करके उसको एकदम इंस्टेंटली चिपका देना है, और उसके बाद उस पर हम जो हमारा एरल डाइट है वो लगाएंगे। और जो एरल डाइट की जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, वो ये है कि सूखने के बाद ये एज ए प्लास्टिक की फॉर्म ले लेती है, और जितनी भी इसकी मान लो होल वगैरह होती है उसके अंदर, लीकेज वगैरह होती है, उन सारी लीकेज को वो ऑटोमेटिकली जो उसका सूखने का टाइम है 7-4 घंटे का, उसके अंदर उन लीकेज को वो पूरी तरह क्लोज कर देती है, भर देती है उनको, जिससे कि उसमें से आप पानी तो दूर की बात है, उसमें हवा भी निकालने की कोशिश करोगे तो वो नहीं निकलेगी दोस्तों उसमें से। उसके बाद आपने जो इसके साइड हमने कवर कर दिए हैं, तो उसके लिए दोनों तरफ से आपने छोटे छोटे पीवीसी के या आपके एल्यूमिनियम की शीट के बराबर पीस काट लेने हैं दोस्तों। उनको काट लेना अच्छी तरह आइड साइड से, मतलब कि पूरा क्लियर हो और एक्स्ट्रा ना हो जो हमारा ब्लॉक हो उसके पार्ट से। अब हमने इसमें पाइप, जो हमारे पास पाइप है, आप चाहे तो एल्यूमिनियम की पाइप या फिर जैसे कॉपर की पाइप, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर मैं इसमें फिक्स करने के लिए जो नॉर्मल घर की पाइप होती है उसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके अंदर जो रबड़ की पाइप होती है दोस्तों। और पाइप की आपकी मर्जी है, आप चाहे तो पतली पाइप लगा सकते हो, या आप चाहे तो 8 mm की, 4 mm की, आपकी चॉइस, आप जो सी पाइप आप लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो मोटर के हिसाब से, क्योंकि आपने अपने देखना है कि आपने मोटर कौन सी लगानी है। क्योंकि मैं जो इसमें मोटर यूज़ करने वाला हूँ, वो जो नॉर्मल कूलर की मोटर होती है दोस्तों, वो यूज़ करना, जो एसी करंट पे चलती है, हमारे 20-15 वाट की मोटर होती है, मैं उसको यूज़ करने वाला हूँ। तो उसके हिसाब से जो 8 mm की जो पाइप है वो बिल्कुल सफिशियंट है उसके हिसाब से। तो उसी हिसाब से हमने उसके अंदर, जैसे कि आप वीडियो के अंदर भी देख पा रहे हो, अच्छी तरह बीच के अंदर हमने उसके अंदर इतना ही जुराव करना है कि वो पाइप उसके अंदर अच्छी तरह आ जाए, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है दोस्तों। क्योंकि अगर उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा आपने उसके अंदर होल कर दिया तो आपकी जो पाइप है वो अच्छी तरह उसमें रुक नहीं पाएगी। तो कोशिश ये करना है कि उतना ही सुराव हो, बाकी अगर उसके जो भी उसके अंदर लीकेज वगैरह होगी वो हम एरल डाइट से उसको फिल कर देंगे। अभी इसको हम, जैसे कि हम इसको फिक्स करने लग रहे हैं, तो हम पहले इसको चेक करके देखेंगे, ये इसको अच्छी तरह लगने लग रहा है, आप देख सकते हो। और उसके बाद इसको भी हम वैसे ही, मतलब कि हमने ये देखना है कि इसकी जो साइड है वो एक्स्ट्रा ना निकले कहीं भी, क्योंकि अगर जो साइड कहीं से भी एक्स्ट्रा निकलेगी ना दोस्तों, तो उसके बाद अगर जो आप पेल्टियर लगा के इसको फिक्स करोगे ना कहीं, तो वो उसमें अड़ेगा, जो उसकी एक्स्ट्रा साइड होती है वो आपका जो बोर्ड होगा या पेल्टियर होगा उससे अड़ेगा, और जो पेल्टियर और इस ब्लॉक का जो स्पेस, जो गैप होगा बीच में, उसके बीच में स्पेस बन जाएगा, जिससे कि हीट अच्छी तरह ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए आपने कोशिश ये करनी है कि उसको पूरी तरह क्लीन काटना है, उसके बाद उसको अच्छी तरह लगा के आपने इंस्टेंट बॉन्डिंग जो ग्लू होता है फेविक्विक वगैरह, उसी से ही उसको चिपकाना है थोड़ी देर के लिए, 3-4 सेकंड के लिए उसको पकड़ के रखना अच्छी तरह, ताकि वो चिपक जाए उससे। बट जो इंस्टेंट ग्लू होता है दोस्तों, वो आपकी लीकेज को क्लोज नहीं करता है। तो लीकेज के लिए हम फिर भी वही, जो हमने हमारा जो एरल लाइट का हमने पेस्ट बनाया है, हम उसी को यूज़ करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब टाइम है इस पे जो हमारा एरल लाइट का ग्लू है उसको अच्छी तरह लगाने का। तो दोस्तों जहाँ भी आपको इसमें होल दिखेंगे उस पर आपने ज़रा ज़रा सा लगाना, बिल्कुल भी मतलब ये मत सोचना कि मैं ज़्यादा लगा दूँगा तो ज़्यादा ये अच्छी तरह चिपकेगा। दोस्तों आपने बिल्कुल ज़रा ज़रा सा लगाना है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि ये फैलता है, आप इसको लगाएंगे अगले 2-3 घंटे तक ये फैलेगा जितना ज़्यादा हो सकता है। तो आपने जितना भी मान लो इसके अंदर जहाँ जहाँ भी आप लगाओगे, जहाँ से भी आपके इसमें कट है, लीकेज है, आपने उस पर थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल इतना लगाना है कि वो क्लोज़ हो रहा हो आपका, ये ना कि बहुत ज़्यादा उसमें हो, क्योंकि अगर ज़्यादा आप लगाओगे तो वो फैल जाएगा और वो नीचे ही टपकेगा या उसी पे चिपक के ज़्यादातर फैल जाएगा और आपके वो वेस्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आपने कोशिश ये करनी है कि उसके जितने भी होल वगैरह उस पर हल्का हल्का सा ही आपने एरल लाइट लगाना है। और एरल लाइट लगाने के लिए आप कोई पतली सी स्टिक वगैरह या पेचकस वगैरह होता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और आपने एक चीज़ उसके अंदर हमेशा नोट करके रखना है कि जब आप उसको इस्तेमाल करोगे तो उसके बाद आपने उसको धो देना, नहीं तो वो उसके ऊपर भी जम जाएगा और वो बहुत ज़्यादा मतलब कि मजबूत हो जाता है, उसको उतारना फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो अभी हमने देखो हमारे इस पर लगा दिया, अब इसके जो साइड में हम पाइप फिट करने वाले हैं दोस्तों, अब हमने वो पाइप लगा दिया है और पाइप को हमने इंस्टेंट ग्लू से लगाया है। इसको अच्छी तरह देखो, अभी इसमें फिक्स हो चुका है, बट इसमें भी लीकेज है, तो हम वही हमारा जो एरल लाइट है उसी को यूज़ करेंगे। और एरल लाइट हमने यहाँ भी इतनी ही लगानी है कि ये ज़्यादा एक्स्ट्रा ना जाए एरल लाइट दोस्तों। तो दोस्तों इसके चारों तरफ अच्छी तरह से एरल लाइट लगाने के बाद हम इसको कुछ इसके ऊपर हम थोड़ा सा वेट रख के इसको 7-8 घंटे के लिए सूखने के लिए रखेंगे। और 7-8 घंटे सूखने के बाद हम चेक करेंगे इसमें कोई लीकेज तो नहीं, अगर तो इसमें लीकेज है तो हम दोबारा से एरल लाइट लगाएंगे इसमें, उसको 24 घंटे के लिए सूखने के लिए रखेंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हो इसको 24 घंटे हो चुके हैं, और आप देखिए
पूरी तरह चारों तरफ से आप देख सकते हो ये पूरी तरह सील है कम्प्लीटली। और अब हम दोस्तों टेस्ट करने वाले हैं, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था आपको कि मैं इस ब्लॉक का और जो एयर का ब्लॉक है उन दोनों का टेस्ट करूँगा और देखूँगा कि किसमें ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी। तो सबसे पहले हम जो एयर के थ्रू हम ब्लॉक से हम हीट निकालेंगे पेल्टियर से, अभी पहले हम उसका टेस्ट करके देखेंगे दोस्तों। तो हमने हमारा जो एयर फैन है वो लगा दिया है, उसके ऊपर हमने नॉर्मल जो एयर का हीट सिंक होता हमने वो रख दिया दोस्तों। और जो ये ग्लू जो हमने बनाया था पेस्ट, थर्मल पेस्ट दोस्तों, खुद का घर का बनाया हुआ हम वही थर्मल पेस्ट यूज़ कर रहे हैं। और हमने इसको अच्छी तरह फिक्स करके उसके बाद हम इसको पावर सप्लाई देंगे, जो हमारी डीसी की पावर सप्लाई है। जो ये पेल्टियर है ये 12 वोल्ट वाला पेल्टियर है दोस्तों, 12706 इसका मॉडल नंबर है। तो इस पेल्टियर को हम यूज़ करके और जो नेगेटिव से नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव हमने लगा दिया दोस्तों, तो ये वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है। और अब मेरे पास जो एनेमोमीटर है उसके अंदर एक थर्मामीटर भी फिक्स है दोस्तों, तो उस थर्मामीटर के थ्रू हम देखेंगे कि ये मैक्सिमम एक मिनट का इसका टेस्ट लेंगे हम और देखेंगे कि एक मिनट के अंदर ये टेम्परेचर को कितना नीचे तक ड्रॉप करता है। तो हमने हमारा जो एनेमोमीटर उसको ऑन कर दिया दोस्तों, इसके पीछे एक सेंसर होता है जो कि उसके अंदर थर्मामीटर लगा हुआ होता है और वो थर्मामीटर टेम्परेचर दिखाता है। इस एनेमोमीटर की कैपेसिटी 70 डिग्री प्लस से लेके माइनस के -30 डिग्री तक ये इसके अंदर रीडिंग शो कर सकता है। और अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो अभी 21 के आसपास से स्टार्ट हुई है इसकी, तो आप देखिए नीचे जाने तक ये अभी 15.2 पे जा चुकी है, 14.9, 14.7। तो हम दोबारा से जो फ़ोन के साथ मैंने आपको बोला था कि एक मिनट का हम इसका टेस्ट लेंगे कि एक मिनट में टेम्परेचर कहाँ तक ड्रॉप करेगा ये, वो हम देखेंगे दोस्तों। तो देखिए हमने अपना टाइमर स्टार्ट कर दिया है, लीजिए इसको हमने रख दिया, टाइमर हमारा स्टार्ट हो चुका है। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, 15.6, 14.8, देखिए दोस्तों टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है नीचे। अभी 12 सेकंड हुए हैं, 13.9 तक आ चुका है दोस्तों। अब ये देखेंगे कि हम बाय द एंड ऑफ जो हमारी 1 मिनट है उसके बाद कि टेम्परेचर ये कहाँ तक लेके जा सकता है नीचे की तरफ। तो दोस्तों इससे हमारी जो एफिशिएंसी का पता चल जाएगा कि एक तो हम नॉर्मल एयर ब्लॉक की यूज़ कर रहे हैं एयर का जो हीट सिंक होता है, और कि हम यूज़ करेंगे वाटर का ये हीट सिंक, तो दोनों में से किसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है उसके बारे में पता चल जाएगा दोस्तों। देखिए 12.9 पे टेम्परेचर इससे जा चुका है, अभी 42 सेकेंड हो चुके हैं और काफ़ी जितनी उम्मीद थी दोस्तों उस उम्मीद से नीचे नहीं जा रहा टेम्परेचर। देख सकते हो 12.5 नीचे तो जाने लग रहा है, पर स्पीड थोड़ी कम है 12.4, और लगभग एक मिनट होने को हो चुका है दोस्तों। ये देखिए एक मिनट हो चुकी है, उस टाइम हमारा टेम्परेचर आया है 12.3 पे। तो 12.3 यानी कि इसने एक मिनट का जो हमने टेस्ट लिया है उसके अंदर ही मेरा टेम्परेचर 12.3 तक गया दोस्तों। अब इसके बाद हम जो हमारा वाटर ब्लॉक हमने बनाया है, वाटर हीट सिंक जो हमने बनाया है, हम उसका ही देखेंगे कि वाटर के थ्रू हम कितनी एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं जो कूलिंग की होती है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर मैं जो कूलिंग के लिए मैंने अपना जो नॉर्मल कूलर का जो मोटर होती है वाटर की, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ और कूलर के साथ उसको यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। कूलर की जो पाइप होती है मोटर की, वो पाइप मैंने हमारे जो ब्लॉक उसके अंदर लगा दी है, और पावर सप्लाई के लिए मैंने जो UPS होता है उसको लगाया दोस्तों। अभी आप देख सकते हो जो कूलर की मोटर है उसको मैंने ब्लॉक से लगाया, और ब्लॉक से घुमा के वापस मैंने पानी को कूलर के अंदर चला दिया वापसी में। तो आप देख सकते हो पानी मोटर चल चुकी है इसकी, कूलर का मैंने फ़ैन ऑफ कर दिया है और मोटर चल रही है इसकी, पानी इसमें से चलना शुरू हो चुका है। और हमारा पेल्टियर भी मैंने ऑन कर दिया दोस्तों, अभी देखो मैंने टाइमर से स्टार्ट कर दिया है हमारा, एक सेकेंड से शुरू हो चुका है। और आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि जो टेम्परेचर है वो 10.4 दोस्तों। नॉर्मली देखिए इसके अंदर जो वाटर का ब्लॉक है इसके अंदर टेम्परेचर तेजी से नीचे जा रहा है, और जो जहाँ मतलब कि हमने हाईएस्ट एयर ब्लॉक के अंदर अचीव किया था ये वहाँ से तो स्टार्ट हुआ दोस्तों। इसके अंदर जो टेम्परेचर ड्रॉप है 8.5 आप देख सकते हो, 8.4, अभी हम देखेंगे कि कब तक कितना नीचे तक जा सकता है, 7.8, 7.6, और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जा रहा है दोस्तों नीचे। जो हमारा एयर ब्लॉक था आपने उस वीडियो में पहले भी देखा, उसके मुकाबले जो इसका टेम्परेचर वो काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हो 6.9 तक आ चुका है, 6.8 तक आ चुका है, जबकि जो नॉर्मल इस टाइम हवा का टेम्परेचर है दोस्तों यहाँ पे, ये मई का महीना है और इसके अंदर टेम्परेचर ऑलमोस्ट 31-32 डिग्री के आसपास है। तो आप उसके अनुमान से देख सकते हो कि टेम्परेचर 6.0 तक जा चुका है, 5.9, 5.8, देखिए कैसे नीचे जा रहा है दोस्तों टेम्परेचर, 5.7, 5.6, देखो दोस्तों एक मिनट हो चुकी है और 5.5 तक जा चुका है, और टेम्परेचर और भी नीचे जाने लग रहा है। और आप देख सकते हो
जो मोटर है वाटर की, नॉर्मल वाली मोटर आपको, वो भी कोई मोटर आपको जो कोई ज़्यादा बड़ी मोटर नहीं खरीदनी है कि आप वो वहाँ से खरीदोगे अमेजन से या फ्लिपकार्ट से, दोस्तों आपकी जो नॉर्मल, आपकी जो नॉर्मल लोकल शॉप से मिलती है वाटर की जो मोटर होती है आप उसको यूज़ कर सकते हो, कॉस्टली नहीं आती है, बहुत सस्ती होती है, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, 100 से 120, 130 रुपये के अंदर आपको पानी की मोटर मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों इसी सीरीज़ के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने पहले थर्मल पेस्ट बनाया, वाटर का ब्लॉक हमने बनाया है, हीट सिंक बनाया है, और दोस्तों जो मैंने बनाए हैं, जो प्रोडक्ट मैंने बनाए हैं, मैं इन्हीं का यूज़ करके आगे थर्मल पेल्टियर का एसी बनाने वाला हूं दोस्तों, जिसकी वीडियो एक हफ्ते के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिनों के अंदर यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी। तो भी आप देख सकते हो इसके अंदर टेम्परेचर अभी भी ड्रॉप कर रहा है दोस्तों, 3.3 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है टेम्परेचर। तो दोस्तों अगर जो हम इसको लगा के रखें तो शायद टेम्परेचर 0 से नीचे भी चला जाए, जबकि यहाँ पे तापमान है जो हवा का वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, अगर जो आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो दबाना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों को शेयर जरूर करें दोस्तों।